अरे देवांशी, बड़े करेक्ट वक्त पे आई है। आज तने देखा हूं हमारी एकेडमी का काम कहां तक पहुंचा। आ के बैठ गई इधर हमारे पास, देख कितनी जोरों शोरों से काम चल रहा है। आगे चल के तन्नी तुम्हारी मदद करानी है क्यों? देवांशी, लगता है तन्ने भी बाकियों की तरह हमारी काबिलियत पे शक होने लग गया से। तन्ने भी लग रहा है कि ये सपना सपना नहीं मारा पागलपन से। बिस्तर पे पड़ा पड़ा खुश होता रहता हूँ, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कुछ ना कर पाऊंगा। तो सुन रही है देवांशी? तने कुछ कहा वरदान? ओह, तो हालात अब यहां पहुंच गए हैं कि मारी बातें सुनने का भगत ना है तेरे पास। ठीक से होगा भी कैसे, यो माता बन चुकी है ना। बड़े बड़े मसले हैं थारे पास, कदी वो गांव वाले कदी वो माता, हमारी चीजों के लिए तेरे पास टाइम ही क्या है। वरदान, ऐसा क्यों कह रहा? बहुत महंगा पड़ेगा यो सब, बहुत महंगा। अगर कहां वालों ने इस बात की भड़क भी लग गई ना कि यो हालत कर रखी तुमने मेरी, तो भागने तक की जगह ना मिलेगी। अरे मारी बात छोड़ कुसुम और अपनी बात कर। वैसे क्या सोचिया तन्ने, लोगों के सामने चल के अपने सारे गुनाह ने मानने को तैयार से या नहीं? कभी भी नहीं, एक बार समझ लिया था क्या? इसलिए बोलूं कि मन्ने छोड़ दे, सबका कोई फायदा ना से बुढ़ाऊ। चिल्लाने के वास्ते ताकत की जरूरत हो, और ताकत के लिए कुछ खाने पीने की। इसी वास्ते मैं थारे वास्ते जूस लेके आया, तू पीने को तैयार ना से। थोड़ा तू पी ले। वो जूस फरूटना चाहिए बंदे, खाना चाहिए अच्छा खाना। चाहे कहते अपने ससुर देवांशी ने। यही फर्क से थारे में और देवांशी में, तू उसे बुरा भला कह रही थी और एक वो से कि इतना नाराज होने के बावजूद थारे लिए कितना बढ़िया बढ़िया खाना पका के रखा से उसने, पर मैं नहीं लेके आया। पता है क्यों? क्योंकि तन उस खाने के लायक ही ना से। क्यों बैठे बैठे बकवास क्यों करे जब हार में? ठीक है भाई, जैसे थारी इच्छा। इसे डालने क्या कर सकते हैं अब? यो जूस। अरे हरी बात तो सुन रहा हूँ, ये मैंने नहीं सोचे, ये हरी बात तो सुन रही है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है क्या मेरी लाइफ में? वैसे यो बात भी सही से, कोई और नहीं मिला तो सारा गुस्सा मुझ पर उतार दो। देख बात को घुमाना, सारा दिन बिजी रवे है, सारा दिन मारे से दूर रवे है, पर अब आई भी है तो अपने ख्यालों में खोई भी। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तेरे से दूर रही हूँ या तू मेरे से दूर है? तुझे पता जब से उठी हूँ तब से दरबार मंदिर हो रहा से। थक गई हूँ कि खड़े रहने की हिम्मत ना से। तने ऐसा नहीं हुआ कि एक बार मेरे पास आऊं? मैं क्यों? क्यों मैं नहीं आता? मैंने तने पता है दरबार और मंदिर आना मुझे वैसे पसंद ना है। फिर मेरे लिए तो आ सकता है ना वरदान? तने पता है कि तेरी शकल देख के मेरी थकावट दूर हो जाती है। अरे वाह, मतलब घुमा फिरा के सारा कसूर मारे पे डाल दिया। ये तो बात से नहीं कर रही, बचपन से ही तेरी आदत है। ओ हेलो, बचपन में तू मने सताया करता था। कभी नहीं, झूठ ना बोल। झूठ मैं बोल रहा हूं, तू बोल रहा है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वाले छोरे मुझे तो बोल रहा था ना, वो एकदम झूठ से वो वाले छोरे। यो जो थारा सपना से ना वरदान, सिर्फ तारे अकेले का ना से, मारा भी। हम दोनों मिलकर इस सपने को सच करेंगे। और जब भी तू कभी कमजोर पड़ जाए ना, तो बस इतना याद रखना कि तेरा प्यार तेरी देवांशी इस सपने को सच करना चाहे से। फिर देखना इरादे कैसे मजबूत हो जाएंगे।
सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो गया था, पर मैं जानता हूँ इस भगत थारे ऊपर कितना बहुत से। आज अभी भरी दरबार में सबने थारे ऊपर सवाल उठा दिए, पर तूने बड़ी समझदारी से संभाल लिया और वो असली मुजरिम ने ढूंढ निकालने की चुनौती स्वीकार कर ली। इसीलिए बहुत परेशान हूँ वर्तन, वर्तन अभी तक कुछ भी पता नहीं चलिया से। 24 घंटे होने को आए और मैंने पता ही नहीं है कि मुजरिम कौन से। बस इतना पता चलिया से कि जो कोई भी से वो इस घर का सदस्य है। इस घर का सदस्य? हाँ बर्ता। ऐसा कौन हो सके? तो आगे क्या चाल चलनी है यो मैंने तुमने बराबर से समझा दिया, समझे के? लेकिन इस बार मारा प्लान फेल नहीं होना, समझे के? जो भाई इस बार भार के कर दिन रात मेरी सेवा करने की ड्यूटी लगी है ना थारी, तन्ने भी यही तो चाहिए था, तो फिर भाग क्यों रहे? चल भीतर चल। अरे बेटी कल रात से कोशिश कर रहा हूं पर यो चंडालिनी है कि मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल मन्ने ही नूतन जी को आपकी इच्छा के बारे में बताया कि आप चाहती है कि मैं आपने इस तरह से बांध दूं ताकि आपकी तपस्या और कष्टदायक हो सके और आपसे प्रसन्न होकर मैया वरदान पे छाए काले बादलों ने दूर कर सके। भाभी माँ सच में भाभी माँ आप महान से, मैं अभी जाके सारे ज्वालापुरी वालों ने ये फोटोग्राफ दिखा देती हूँ। अरे सबने पता चलना चाहिए ना कि मारी माता कुसुम सुंदरी कितनी महान है कि अपने बेटे पे आए कष्ट ने दूर करने के लिए ये तप कर रही है। मैं भी जाती हूँ। वैसे नूतन जी को तो आप जानती है, चलता फिरता टेप रिकॉर्डर है, अभी थोड़ी देर में तो सारे गांव में पता चल जाएगा कि आप ऐसा कोई तप कर रही है। वैसे एक बात कहूँ, बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी आपको। अरे जिसकी आप शुरू से भूखी है, और इस बात से हमारा भी एक फायदा हो जाएगा। क्यों बाबूजी? वो तो से अब मेरा मतलब कि अगर हमने आपको मार भी दिया तब भी लोगों ने तो यही लगेगा कि तपस्या की कठिनाइयों से जूझते हुए अपने बेटे के लिए अपने बलिदान दे दिया। और मैंने तो आपकी समाधि के लिए एक जगह भी ढूंढ ली से ना 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 मां कुसुम सुंदरी, इतनी जल्दी ना है मन्ने, मैं फिर से कह रही हूं कि है कि वक्त थोड़ा और दे दिया आपको। सोच लीजिए कि आपने सारे गांव वालों ने सच्चाई इसी जन्म में बतानी से या फिर जा छुरी जा, तेरी इन कोरी धमकियों से डरने वाली ना हूं मैं। कुसुम सुंदरी हो अपना कोई भी कुड़ा चाहे तो मन्ने मार दे, चाहे जिंदगी भर इस कमरे में बंद रख, अपना कोई गुनाह कबूल ना करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। प-
ताऊजी मनने लग रहे ऐसे कि हमें गांव वालों की सभा बुलानी होगी। ठीक से इन्हें सबके सामने लेकर जाना चाहती हूँ। आखिरकार हार मान गई। के होएगा थारा यो ईश्वर ही जाने, यो नहीं वो वाला ईश्वर। ए बुढ़े हार जाओ, ए बुढ़ो हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहा है? किसके मैसेज आ रहे तने? मैं कहां परेशान से? ना कुछ नहीं। सुन, फोन दिखा तेरा। ये कैसी बात कर रहे आप हैं? फोन तो बहुत पर्सनल मैटर से फोन कैसे दे दूं आपने? सेवक से ना मारा, बात ना मानेगा मारी? सेवक से, लेकिन मारे कुछ पर्सनल मैसेज थे उसमें, ना देख सकूं मैं। पर्सनल गया ते लल्ला। वरदान बाबा, माता दीवानसी ने सबको नीचे बुलाया है। सुनिए आप, माता दीवानसी ने सबने बुलाया। अरे यो मैं क्या सुन रही हूँ कुसुम, क्या किया तने? तन इस घर की दासी बनके इस घर के सारे काम करना चाहे से? हाँ बाऊजी, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हैरान हो गई थी जब मैंने पता चलिया था। वो तो जब मैं माँ कुसुम सुंदरी को उनके कमरे से बाहर आने के लिए कहने गई तो उन्होंने एक शर्त रखी कि वो तभी बाहर आवेगी जब इन्हें इस घर में एक सेविका की तरह रखा जाएगा। और इन्होंने तो यो भी कहा से कि आज का घर का सारा काम यो अकेले करेगी। यो, यो कैसे है? मैं तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार ना थी, पर क्या हुआ कि मैया मेरे सपने में आई और मैया ने खुद मन ने कहा कि माँ कुसुम सुंदरी जो भी चाहती है वो मैं करने दूँ। और मैया की भी मर्जी है इसमें, फिर जब मैया ने कह दिया तो मैं मना नहीं कर सकती। अब बिल्कुल ठीक किया ना? भाभी माँ, ये सेवक कब काम आएंगे? हमारे सब सेवक लोग काम कर लेंगे, आपको क्या जरूरत है काम करने की? तो वो भी सर भाभी माँ। पर क्या है ना बाऊजी कि मैं माँ कुसुम सुंदरी को ऐसे अकेले काम नहीं करने दे सकती। बस इसीलिए मन ने फैसला करया से कि माँ कुसुम सुंदरी का सबसे खास सेवक मोहन जी उनके साथ सारे कामों में मदद करेंगे। यो बात सही से, यो बात सही से भाभी माँ। तो बस इब मैया की मर्जी से माँ सुंदरी सेविकाओं वाले काम करेगी और मोहन जी सेवकों वाले। यो कैसे हो सके? मारे को तो जिम्मेदारी दी गई कि वरदान की मैं सेवा करूं, तो यो कैसे हो सके? पर मोहन जी एक ही दिन की बात है ना, आज मैं वरदान का ख्याल रख लूंगी। माँ कुसुम सुंदरी अकेले काम ना कर सकती है ना, आप
मदद कर दीजिए। हाँ हाँ वो संभाल लेगी, भाभी माँ का साथ दे। वाह 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 वाह, महान से भाभी माँ, आप माता होके सेविका होके काम करेगी। वाह 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 वाह, तो बताइए कहाँ से शुरू करें, झाड़ू पोछे से कि बर्तन से? क्या पोछे से? बस माँ सुंदरी ने लेकर जाई, वो जहां से भी शुरुआत करना चाहती है उन्हें करने दीजिए। अब आप सब भी घर चले जाइए, जाकर थोड़ा सा वक्त अपने परिवार के साथ बिताइए। हाँ भाई, सामान सब ठीक से पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? के भाई, हे हे, के भाई के, हैं? जो दिख रहा नहीं तन्ने, जो मैंने साफ करी ऐसे गंदा कर दिया तूने। गंदा? ऑलरेडी गंदा ही से। क्या? अच्छे से साफ कर, ये तो देवांशी माता ने कंप्लेंट कर दूंगा थारी। अब फटे भी फांस, क्यों दे रहे ऐसे मन्ने? भाभी माँ, तो आज आप खाना बनाएंगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब था भाभी माँ कि आज तक कभी आपने इस घर में खाना नहीं बनाया, तो खाना तो बनाने आता है ना अपने। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी भाभी माँ। भाभी माँ, यो सब्जियां सारी इस तरफ रखी से और मसाले उस तरफ से, दिख रहा समझ ने? अच्छा अच्छा। अब भाभी माँ, भाभी माँ एक और बात, खाना बना रही से तो सब्जी मारे लिए थोड़ी सी तीखी बनाइएगा, और हाँ मुक्की जी के लिए थोड़ी सी मीठी बनाइएगा, और हाँ गोलू के लिए वो आम का अचार तो जरूर बना देना, के चटकारे लेके खावे से वो। बहुत मजा आ रहा है तन्ने, हुकुम दे रही से, पट 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 बोल रही से मेरे सामने। भाभी माँ, नहीं नहीं भाभी माँ, यू आप कैसी बातें कर रही से? भाभी माँ, मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी, आप ही ने सेविका बनने की इच्छा जताई, मैं बस उस इच्छा ने पूरी कर रही हूँ। हाँ भाभी माँ, वो सब्जी के साथ साथ रोटी भी बनानी पड़ती है, और हाँ माफ करना पर रोटी थोड़ी सी नरम बनाना, नहीं तो गोलू नहीं खाएगा। भाभी माँ, उस तरफ है, उस तरफ मैं आऊँ? ऊपर वाला खाना। थोड़ा सा और कोशिश कीजिए, मैं आऊं। मैं निकाल लूंगी। नहीं नहीं ठीक है, आप ही ले लीजिए। मैं आऊं। बनाना, मेरा मतलब से ऐसी हालत में आप हर जगह घूमेंगी तो सारे घर में आटा आटा हो जाएगा, और फिर कितनी जगह साफ करेंगी आप? ये लीजिए। शैतान कहीं की, तन्ने की लगे से बेटी कि थारी यो चाल कामयाब होवेगी? जरूर होवेगी बाबूजी, हमें कुसुम सुंदरी को चारों ओर से घेरना से। वो तो ठीक से बेटी, पर मुजरिम ने पकड़ने के लिए 24 घंटे में से केवल 3 घंटे बचे से, अब इन 3 घंटों में तन असली मुजरिम ने कैसे पकड़ेगी? और जी असली मुजरिम ने कैसे पकड़ना से, मैंने सोच लिया है उसके बारे में।